यात्रा चढ़ने वाली है माउंट एवरेस्ट। क्या भूत बना के छोड़ दिया मुझे। तो ये सीखा था मैंने ईशान से, जलेबी में दूध डाल के खाना। चलिए जोरदार हवा, और आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही होगी वीडियो में पीछे चर 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 की। अब आशिता का भी जो है खाने का मन कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको एक बाइट जो है टेस्ट करवाया था और इसने बोला कि जैसे मैंने आपको बताया मैं ज्यादा मीठा नहीं खाती तो मेरी हालत खराब हो गई, और ये मैंने चलती फिरती शॉप है मेरी जेब में, मेरे पास कोई शॉप नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, मैं हूँ एकदम बढ़िया। तो हम लोग तैयार हो गए थे जाने के लिए नागाबेट, नागाबेट जहाँ पे कॉटेजेस बन रहे हैं। तो चढ़ने वाली है माउंट एवरेस्ट। थैंक यू आउना फनी गर्ल। तो कल हम लोगों को जाना था कुल्लू वापस, तो उससे पहले हमने सोचा एक बार देख कर आते हैं कि कॉटेज में कितना काम हुआ है, क्योंकि मैं छुट्टियों में शायद एक आध बार ही आई थी, तो इसलिए हम लोग आ गए थे यहाँ पे। तो जब हम वापस आए तो सामने दिखा गाड़ी में लिखा हुआ था मालिक मुझे नहला दो, क्योंकि काफ़ी डस्ट हो गई थी पीछे। और शाम को जब हम अंदर बैठे थे तो काफ़ी देर से आशिता नहीं थी, तो मुझे लगा पक्का वो शॉप में होगी। तो आई तो देखा मैडम जी तो यहाँ इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे चाय, और आ गया है अब वो दिन जब बाय बाय बोलना पड़ रहा है अपने रूम को, अपने घर को, क्योंकि वापस जा रहे हैं हम लोग कुल्लू। और जाने से पहले आशिता ने बोला कि मुझे दूध और बिस्किट खाना है, तो दूध बनाओ मेरे लिए। तो अभी तो बिस्किट खा रही थी और साथ में टीवी इंजॉय कर रही थी, और टीवी के आगे तो किसी को भी खड़े नहीं होने देती है चाहे वो कोई भी हो। और ये कंस खुशी है या दुख है जाने का, हाँ जाने की खुशी है या दुख है जाने का, बताओ ना मुझे। आर यू एक्साइटेड और नॉट। तो यार 2 मंथ्स की छुट्टियां थी, तो उसके बाद जब घर से जाओ तो बुरा तो लगता ही है घर से जाते हुए, तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। और यहाँ पे बाहर बारिश हो रही थी और ईशान और मम्मी जी ने बोला कि उन्हें चाय पीनी है, तो मैंने रख दी थी चाय, और बाहर हो रही थी ज़ोरदार बारिश। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं बस तभी पीती हूँ जब ठंड लगे या फिर मुझे ऐसे ही पीने का मन हो, अदरवाइज मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है बैग, और हम लोग जाने के बाहर बारिश होने को तैयार है, और हम लोग जा रहे हैं कुल्लू, क्योंकि आपको पीछे मेरे ये बैग दिखाई दे रहा होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि ईशान के कज़न की शादी है, तो कुछ आउटफिट्स हैं जिनकी स्टिचिंग कराने के लिए है, तो उसके लिए जाना है। चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, जाना ही जाना है। तो बस हम दूध का वेट कर रहे हैं कि दूध कब आएगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। जीता से जो है बिल्कुल से भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, वो 10 चक्कर सुबह से बाहर के लगा बैठी है, कि वो बोल रही है कि मैं और दादा चले जाते हैं, आप बाद में आओ। तो कपड़े देने के बाद हम लोग आ गए थे थोड़ी सी गोल्ड की शॉपिंग करने के लिए। मैंने क्या लिया मैं बाद में आपको बताऊंगी। और यहाँ पे आशिता इसका वही आजकल चला है, मुंह छुपाओ नहीं आना इसको। कब तक छुपोगे मुझे, कब तक छुपोगे। तो गोल्ड की शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे सिल्वर वाली साइड में, यहाँ की थोड़ी सी कलेक्शन देख रहे थे कि कैसा है, और उसके बाद हम लोग सीधे अटैक किया हम लोगों ने खाने पे, क्योंकि सबको लग रही थी बहुत ज़ोरदार भूख। आशिता और मम्मी जी ने खाना पकाया। सीधे बोलो, मेरे से वेट नहीं किया जा रहा है। नहीं मैंने बोला फिर कंफ्यूज। तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे कहीं और, फिर लेने थे उसके बाद शूज़ आशिता और मम्मी जी को, फिर वहाँ भी हम लोगों ने हमला बोल दिया, और आशिता ने अपने दादा के फोन में हमला बोल दिया। मेरे पास कोई शॉप नहीं है, कोई शॉप नहीं है मेरे पास। तो हम पहुंच गए हैं रूम वापस, और आज पता नहीं इस लड़की को क्या हो रहा है, बार बार अपना मुंह छुपाए जा रही है, और अपने मुंह के साथ साथ मेरे मुंह को भी छुपा रही है। ऐसे मत करो यार,
ये देखो क्या भूत बना के छोड़ दिया मुझे। यार देखो पीछे आपके बाल चिपके थे, मैंने आपको दिखाना। मुझे दिख रहा है। आ ऐसे मत करो। यार देखो क्यों बाल चिपके। मुझे दिख रहा है। फिर से मुझे मुझे कैमरा में देखना था। चलो अरे चुप करो पीछे आप। अरे अरे बस ऐसे 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 करके ना जब मैं रगड़ूंगी। देखिए गाइस तो मुझे लगी थी बहुत जोर की प्यास, तो सबसे पहले मैं पानी पी लेती हूँ। एक्चुअली मैंने कल भी बहुत कम पानी पिया था, वो मुझे रात को याद आई। वो आज तो मैं सिर्फ सुबह ही शायद जो 2 गिलास पानी के पीती हूँ उठ के। वो ही पिए थे शायद, और बीच में शायद 1-2 गिलास। तो ये सीखा था मैंने ईशान से, जलेबी में दूध डाल के खाना। वैसे मैं शुगर अवॉइड ही करती हूँ, बट आज मुझे ठंड लग रही है और मैं गरम गरम चीज़ कुछ चाहती हूँ, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। आपको बताया, वैसे मैं शुगर अवॉइड करती हूँ, बहुत हद तक करती हूँ। मैं दूध भी फीका पीती हूँ, बट जैसे आप सबको पता है कुल्लू में जो है बहुत ठंड पड़ गई है फिर से, तो मैं कुछ गरम गरम चाहती थी। पहले सोचा था मैंने मैं सिर्फ दूध पीऊँगी, फिर मैंने दूध वाले आइडिया को भी छोड़ दिया कि नहीं मैं कुछ नहीं पीऊँगी, रात को दूध पीऊँगी। फिर आशा ने दूध की डिमांड की, फिर मुझे याद आ गया कि यहाँ तो जलेबी भी है, क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए जलेबी का, और जलेबी और दूध पिया जाए। तो लेट्स सी कि कैसा टेस्ट होता है। मैंने आज से पहले पता नहीं कब खाई थी, शायद 2-3 साल पहले खाई थी, शायद ईशान के वहीं से थोड़ा सा एक बाइट लिया होगा, ज़्यादा नहीं खाती मैं मीठा। चलिए ज़ोरदार हवा, और आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी वीडियो में पीछे चर 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 की, जैसे भूतिया आवाज़ आती है, तो पीछे इंडक्शन की आवाज़ आ रही है, बट आपको पीछे खिड़की हिलने की आवाज़ आ रही होगी। ये हवा चलिए तूफान चलता है यार यहाँ पे शाम शाम को, और जब शाम मेरे ये ब्लॉग देखेंगे उन्हें डेफिनेटली मुँह में पानी आने वाला है, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। मैं देखती हूँ कि इतनी ज़्यादा कैलोरीज मेरे अंदर जा रही है, तो मैं डिनर स्किप कर दूँगी। अब मैं ऐसी बनना नहीं चाहती, बट मैं ऐसी बन चुकी हूँ। जब मैं कोई मतलब कभी मैं ओवर ईटिंग कर लेती हूँ, तो मैं जो नेक्स्ट मील है कोशिश करती हूँ कि मैं उसको कम लूँ, यू नो, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा है इसको एकदम से लग जाता है, इसको हवा तक लग जाती है। और मैं आज तक दिखाऊंगी कि मैं क्या खा रही हूँ, लेट्सी, और रिएक्शन की उसको खाना है या नहीं खाना है, ये खाएगी इसे या नहीं खाएगी, इसको पसंद आता है या नहीं आता पसंद। आप नई डिश ट्राई करना चाहोगे? मैंने दूध में डाला है जलेबी। हाँ। खाना चाहोगे? देखते हैं आपको पसंद आएगा कि नहीं। यार ऐसे को इसने पूरा बिस्किट यार दूध में डाल दिया, क्या लड़की है ये। तो मैंने लिया फर्स्ट बाइट जो था बहुत ज़्यादा यम्मी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अनहेल्दी चीज़ें जो है खाने में बहुत टेस्टी होती है, और जलेबी में भी भर भर के शुगर होती है, तो बहुत टेस्टी था और बहुत ज़्यादा मीठा था। तो उसके बाद मैंने आशता को भी पूछा कि आशता आपको खाना है, तो फिर मैंने सोचा इसको भी मैं ट्राई कराती हूँ अपने गिलास से, तो इसको बहुत पसंद आया। बच्चों को तो वैसे मीठा बहुत पसंद होता है, तो इसको तो आना ही था पसंद। अब आशिता का भी जो है खाने का मन कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको एक बाइट जो है टेस्ट करवाया था, और इसने बोला कि ये तो बहुत यम्मी है, मुझे भी खाना है। राइट आशिता? अब इसको भी खाना है। एक ये जलेबी काफ़ी है? नहीं, तो और भी डालनी है। तो यार जैसे मैंने आपको बोला, जो अनहेल्दी चीज़ें होती वो यम्मी हैं, पर डेली हमको नहीं खानी चाहिए ऐसी चीज़ें, आपको अवॉइड करनी चाहिए। मैं भी डेली नहीं खाती हूँ, बस बेटे दो जलेबी डाल दी मैंने, 2 जलेबी काफ़ी हो गई है। ये भी डालो, या तो मैं इसको ऐसे ही खाऊँ, इतने को मैं ऐसे ही खाऊँगी। दे रहे मुझे। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, और हमारी जो जलेबी है वो भी बहुत सॉफ्ट हो जाती है दूध के साथ साथ। जैसे मैंने आपको बताया मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती, तो मेरी हालत ख़राब हो गई और ये मैंने छोड़ दिया है, मुझसे ये अब नहीं खाया जा रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा खाती भी नहीं हूँ और खा भी नहीं सकती हूँ, तो वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर तो चलिए फिर आज के ब्लॉग में इतना ही, मैं और आशता इंजॉय करते हैं दूध और जलेबी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।